हाय स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ बायो का हमारा चैप्टर चल रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, पहले चार पार्ट हम कर चुके हैं अपलोड, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोस। ठीक है, हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं पार्ट 5, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, इससे पहले हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, नेस्टिक मूवमेंट्स, फिर हमने किया था फाइटो हॉर्मोन्स, देन रोल ऑफ ऑक्सिन इन फोटोट्रॉपिज्म। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, दो टाइप के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है उनके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोन्स या नर्व सेल्स। क्या प्रेजेंट है, न्यूरोन या नर्व सेल। और ये न्यूरोन या नर्व सेल ही क्या करती हैं, दे सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड नर्व इंपल्सिस। इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उनके अंदर केमिकल मैसेंजर होते हैं, हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू एक्शन होता है। ठीक है, दोनों के बीच में हम डिफरेंस कर लेते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है उसका जो एक्शन होता है वो क्या होता है, क्विक एक्शन होता है। बट इन केस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम द एक्शन विल बी स्लो। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको किसी ने निडल प्रिक कर दिया तो आप उसका रिस्पांस क्या करोगे, फटाफट दोगे ना, एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लोगे, जो भी करोगे। दूसरी तरफ आपकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, एकदम से तो हो नहीं रही, तो वो स्लो एक्शन है। वो किसकी वजह से हो रहा है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से। सेकेंड पॉइंट, नर्वस सिस्टम में क्या होती हैं, आपकी न्यूरॉन्स होती हैं, नर्व सेल होती हैं, वही क्या करती हैं, नर्व इंपल्सिस को ट्रांसमिट करती हैं और वैसे ही आपका सिग्नल पास होता है। इसमें कौन काम करेंगे, आपके हॉर्मोन्स। और वो हॉर्मोन ट्रांसमिट कैसे होंगे, थ्रू द ब्लड। और ब्लड कैसे ट्रांसफर होता है, थ्रू द ब्लड वेसल्स। नर्वस सिस्टम जो है आपका वो वॉलेंट्री भी होता है और इनवॉलेंट्री भी, मतलब आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग भी होता है और आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं भी होता है, बोथ वॉलेंट्री भी है और इनवॉलेंट्री भी है। लेकिन जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या होता है, ओनली इनवॉलेंट्री इन फंक्शन। जो रिस्पॉन्स होता है नर्वस सिस्टम का, दैट इज लोकलाइज्ड, बट द रिस्पॉन्स इन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिफ्यूज्ड और वाइड स्प्रेड। ठीक है, सपोज नर्वस सिस्टम को काम करना है, हमें एक जगह पे इंजरी हो गई तो हमें जो पेन हो रहा है वो उसी जगह पे होगा, बाकी जगह पे तो पेन होगा नहीं, तो लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स है इसका। लेकिन ग्रोथ की बात कर लेते हैं, वही ग्रोथ क्या हो रही है, पूरी बॉडी की हो रही है। ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वो पूरी बॉडी का हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, पूरी बॉडी के पूरी ब्लड क्या है, पूरी बॉडी में ही प्रेजेंट है। तो इसका रिस्पॉन्स क्या होता है, डिफ्यूज टाइप का, मतलब वाइड स्प्रेड, पूरी बॉडी में फैला हुआ। क्लियर है? तो इस चैप्टर में हम नर्वस सिस्टम भी पढ़ेंगे और एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ेंगे। अभी हमने थोड़ा सा इसका सिर्फ रिव्यू लिया है, लेकिन जब आप कंप्लीटली इसको पढ़ लोगे आप खुद ही डिफ्रेंशिएट कर पाओगे इन दोनों के बीच में। तो पहले हम नर्वस सिस्टम करने जा रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि नर्वस सिस्टम के अंदर मेन जो सेल्स होती हैं, स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरोन। आपकी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल हैं ये न्यूरॉन्स। नर्व सेल और न्यूरोन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम की मेन स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है न्यूरोन। इसका स्ट्रक्चर आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, 9th में भी हमने अच्छे से किया था, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। हम सिर्फ यहाँ पे डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं, इस डायग्राम को आप अच्छे से नोटबुक में ड्रॉ करोगे और इसके स्ट्रक्चर को भी लिखोगे कि साइटोन में क्या है, एक्सोन में क्या है, कैसे फंक्शन करता है, जो कंप्लीट मैंने आपको 9th में करा रखा है, या फिर जिसको जिसने नहीं किया हुआ मुझसे, जिसने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ वो खुद करेगा ये काम, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल लिखना है। स्ट्रक्चर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है, तीन मेन पार्ट होते हैं इसके न्यूरॉन के, क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, साइटोन, एक्सोन और डेंड्राइट्स। ठीक है, साइटोन या सेल बॉडी, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, साइटोन और सेल बॉडी। ये साइटोन का न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है, नीजल ग्रैन्यूल्स हैं। ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये जो ब्रांचिंग आप देख रहे हो दैट आर डेंड्राइट्स। ये बीच में जो आपका जा रहा है एक्सोन, दिस इज माइलिन शीथ। ये जो पॉइंट्स हैं, दीज आर नोड्स ऑफ रेनवियर। और यहाँ पे क्या है, आपकी नर्व एंडिंग्स। आपका होमवर्क है, आपको कंप्लीट लिखना है एक्सोन, डेंड्राइट, साइटोन कैसे नर्व इंपल्स को पास करते हैं, कैसे ये फंक्शन करते हैं। अगर फिर भी आपको डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल दीजिए। फिर हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल, कि हमारे जो नर्व और न्यूरॉन सेल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फर्स्ट इज़ न्यूरॉन डू नॉट डिवाइड। न्यूरॉन्स क्या होती हैं, डिवाइड नहीं करती।
एक बार जैसे आपका बर्थ हुआ उसके बाद बोलते हैं कुछ टाइम तक ग्रोथ होती है न्यूरॉन्स की, लेकिन उसके बाद उनकी डेवलपमेंट क्या हो जाती है, रुक जाती है। यूज़ ओनली ग्लूकोज एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ये सिर्फ ग्लूकोज को यूज़ कर सकते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इनकी जो सेल्स हैं मतलब न्यूरॉन है वो सिर्फ ग्लूकोज को यूज़ करती हैं, अदर सबस्ट्रेट्स को वो यूज़ नहीं कर सकते। दीज आर नॉट रिपेयर्ड, अगर एक बार ये इंजर्ड हो गई तो इनकी रिपेयरिंग नहीं होती, ठीक है। दे डाई इफ डिप्राइड ऑफ ऑक्सीजन फॉर ओवर 5 मिनट, अगर 5 मिनट से ज़्यादा तक इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड ना हो तो ये मर जाएंगी। इसलिए बोलते हैं आपका जो ब्रेन है इतना ज़्यादा, मतलब वैसे तो आपका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, ये होता है बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, स्कल है इसके ऊपर, लेकिन इसके जो सेल्स हैं वो ऐसी हैं, अगर थोड़ी सी देर तक उसे प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिल पाए, प्रॉपरली ग्लूकोज ना मिल पाए तो क्या हो जाती है, जल्दी वो सेल ख़त्म भी हो जाती है, ठीक है। और ब्रेन काम नहीं करेगा तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी काम करना बंद कर देगी। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूरॉन, कि न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं करती। एक बार आपके बर्थ के बाद कुछ टाइम तक उनकी ग्रोथ चलेगी, उसके बाद उनकी डेवलपमेंट रुक जाती है। सिर्फ ग्लूकोज को यूज़ करते हैं एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रिपेयर नहीं होंगे एक बार इंजर होने के बाद, और ये मर जाएंगे अगर इनको 5 मिनट से ज़्यादा तक ऑक्सीजन आप प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, दोनों का डिफरेंस हमने पढ़ा, फिर हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा जिसके बारे में आपको खुद लिखना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी। थैंक यू।